बीएनए न्यूज से मैं नाजिम शेख एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ लेकर खबरों का एक खास सिलसिला। तो भारत के हर कोने की खबर जो जुड़ी है आपके स्वास्थ्य से, शिक्षा से, रोजगार व नगर विकास से, अपराध और राजनीति से, जानिए हर खबर विस्तार से सिर्फ बीएनए न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के दादर खुर्द कोरबा में दो पक्षों में जमीन के कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसे लेकर जगदीश पटेल और उत्तम कुलदीप के बीच वर्तमान में कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसकी शिकायत मानिकपुर चौकी से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गई है। इस जमीनी कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवादित मामला गहराता जा रहा है। ये मामला न्यायालय में पहुंच चुका है। पीड़ित ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का पुलिस पर लगाया आरोप। मैं दादरपुर निवासी हूं और आज मैं मानिकपुर चौकी में शिकायत किया था। अभी यार एसटी साहब के पास शिकायत किया हूं कि उत्तम कुलदीप और उसके साथी उसके भाई बटेश कुलदीप और उनकी वैष्णव और बहुत सारे जो असामाजिक तत्व के लोग हमारी ज़मीन पर जबरदस्ती जेसीबी ले जाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और कब्जा कर रहे हैं, ईटे से घेरा कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल कर रहे हैं। मेरे द्वारा पूर्व ही कई बार मानिकपुर चौकी में पुलिस अधीक्षक कोरबा के पास शिकायत किया जा चुका है और उत्तम कुलदीप के द्वारा पूर्व ही मेरे परिवार के साथ जानलेवा हमला कर चुका है और अभी वो मेरे को मारने का धमकी दे रहा है और मैं और मेरा पूरा परिवार इससे भयभीत है। जबकि जिस मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा डीजे कोर्ट से मैं केस को जीत चुका हूं और वो वाद के दौरान ही उत्तम कुलदीप वह ज़मीन को खरीदा है और खरीदने के पश्चात ही वो कब्जा करने प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बार बार मेरे ऊपर ऐसी कर रहा है और मेरे द्वारा मानिकपुर चौकी में बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई उनके ऊपर खराई नहीं की जाती है। आज भी जब मेरे घर के जब महिला लोग उनसे मना करने के लिए गए थे तो वहाँ मेरी चाची को हाथापाई किए हैं, मेरे जो बहू लोग हैं उनसे हाथापाई किए हैं और शिकायत करने के बाद भी पुलिस प्रशासन बोले कि ये राजस्व का मामला है, इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि मेरे ऊपर दो दिन पहले ये मणिपुर चौकी के द्वारा 151 के तहत मेरे और मेरे भाई के ऊपर खड़ी कर दिए। कौन है ये उत्तम कुलदीप है कौन, मतलब जो आपके तरह कर उत्तम कुलदीप सुभाष ब्लॉक के निवासी है और उसका भाई अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष है, उसी के दम पर गुंडागर्दी करके आज दोनों भाई जिस भी लग गए हैं और बाहर से 100-200 आदमी लेके गए हैं वहाँ पर। क्या चाहते हैं आप इसमें, मतलब? मैं चाहता हूँ कि इसमें ना पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन स्पष्ट रूप से इनके ऊपर ना कार्रवाई करे, अन्यथा मैं अपने पूरे परिवार सहित बोल रहा हूँ सहित एस टी थाना में ना जार खा के हम लोग आत्मदाह करेंगे। हाँ, हमारे चैनल बीएनए न्यूज़ नागपुर को सब्सक्राइब करना न भूलें।